जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक जेसीओ और एक जवान घायल हो गए और इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की भी खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान जेसीओ और एक जवान घायल हो गए हैं, ये खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मेंढर में सुरक्षा बलों का जिन आतंकियों से आमना सामना हुआ, ये वही आतंकी हैं जिनसे पुंछ जिले में सोमवार को मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। अब एक बार फिर उन्हीं आतंकियों के हमले के बाद पूरे इलाके में चौकसी अब बढ़ा दी गई है। वहीं जम्मू पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल आतंकी यहां के घने जंगलों में करीब 3 महीनों से सक्रिय हैं। इन आतंकियों से सोमवार को भी मुठभेड़ हुई थी, ये भी जानकारी है। बता दें कि 5 जवान इसके पहले मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। हालांकि इसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 47 ग्रेनेड भी और गोला बारूद भी बड़ी संख्या में बरामद किया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।